या गना बधा या मेरे पाकिस्तानियों आज आपने देखा ही होगा कि पिशावर में जिस तरह तरीक इंसाफ की लीडरशिप और हमारे कारकुन जिस तरह आज वो निकले गिरफ्तारी देने के लिए इससे सबको एक चीज सामने आ जानी चाहिए कि आज कौम किधर खड़ी है हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह का इस तरह के सीन्स कभी ये नहीं देखे गए एक वक्त पे जो मूवमेंट चली थी या पी एन ए की सत्तर की दिहाई में उसमें भी गिरफ्तारियां होती थी लेकिन चार या पांच लोग जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे ऐसा कभी सीन नहीं हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और लीडरशिप के साथ मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं के लीडरशिप के साथ जाके अपनी गिरफ्तारियां दें तो मैं आज अपनी पुशावर की क्यादत और अपनी अपने कारकुनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को यह बताना चाहता हूं कि क्यों ये हम कर रहे हैं मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं हम ये क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि यह पुरमन तरीका है एहताज करने का हम क्या चीज लोगों के सामने लाना चाहते हैं हम ये सामने लाना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह के हथकंडे इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं जब से हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल के बाद पिछले साल जो हमारे लोगों से इन्होंने किया है, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्द किया आजम स्वाति पर तशद किया उसको तीन बजे जाके घर से उठाया और उसको उसके उससे पहले उसके पोते और पोतियों के सामने उसको मारा एक पचहत्तर साल के आदमी को फिर टॉर्चर किया फिर कपड़े उतार के टॉर्चर किया फिर उसकी फिल्में बनाई वो फिल्में इन्होंने हमारे दो तीन लोगों को दिखाइए दिखाने के लिए कि आपसे भी ये होगा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे शहबाज गिल से जो इन्होंने किया उसको बार जब उसको तशद कर रहे थे तो उसको बार बार पूछ रहे थे कि यह इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो कौ इमरान खान ने तुम्हारे से करवाया स्वाति को कह रहे थे कि यह इमरान खान को बताओ ये उससे भी ये होगा ये कौन से मजहब माशरे में ऐसे होता है ये कब पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ था और उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे उनको भी नंगा करते थे मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का आइन का आर्टिकल फोर्टीन चौदह आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है उसकी जो इज्जत है उसको आप पमाल नहीं कर सकते और इनका कसूर क्या था आजम स्वाति ने एक ट्वीट की कि जी बाजवा ने एनआरओ आर टू दिया सारा पाकिस्तान जाता है जानता है कि उसने दिया शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था पीछे क्या था कहने क्या वो क्या कह रहा था उसके ऊपर तशद शेख रशीद को उठा लिया उसको ले गए अफवाद चौधरी को उठाया हमारे लोगों के ऊपर सबके ऊपर एफ आई आर है जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई सत्तर एफ आई आर दहशतगर्दी के केसेस बना दिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है उसके बाद एहतिजाज होता है मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है वहां था भी नहीं दूसरा एक ये बदियानतदार एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये पीडीएम का हिस्सा बन के जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है कैंपेन करता है क्या केस था फ़ॉरेन फंडिंग केस पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है उस वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं किसी अदालत में जाएगा ये बाहर फेंक देंगे केस ही कोई नहीं है वो रिपोर्ट के ऊपर एफ आई ए मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है और वो उसी के ऊपर वही जो केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का उसमें बाकी हुए सारों बरी अदालत बरी नहीं करती उनकी जमानत दे देती है सबको इमरान खान के ऊपर वारंट निकलाता है और हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या इमरान खान को जेल में डालो या डिस्क्वालीफाई करो या हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालो काफ लीग मैं आज ये उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती आप वो ले लें हमारे लोगों को एमपीज को जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी उन सबको कहा गया बुला बुला के चुन चुन के लोगों सब को सबको नहीं चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें इमरान खान के ऊपर काटा डाल दिया गया अब नून लिख जाए आपने वोट नहीं डाल ली सबके ऊपर प्रेशर डाला गया उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तरीके इंसाफ में चौधरी परवेज अलाई को मैं आज दाद देता हूं उनको और उनके बेटे मूनेसलाई को कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद पूरा जोर लगाने के बावजूद उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं एक इनका इनका कोई जानने वाला मूनेसलाई का उसको पकड़ के ले गया तीन दिन उसको रखा उसको मार मूर के उसको अच्छी तरह मार के उसको जुल्म करके घर वापस ले गया अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है प्रवेजलाई को वो गायब है सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करें ताकि इलेक्शंस ना हो जाए इसलिए हमने लाई को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम हम का आपको हम एजाज देते हैं प्रेजिडेंट अपनी पार्टी का बनाने के लिए मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई ये जो जुल्म ये जो तशद झूठी एफ आई आर और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया हमने अपनी असेंबलीज डिजॉल्व की दो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे वो नाम जो क्रेडिबल थे जिनकी कोई जो रिस्पेक्ट थी माशरे में हमें पता था कि नून लीग भी उनको जानती है इन्होंने चुन के यहां चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके गया जो हमारा सख्त मुखालिफ था उसके बाद हमने तेईस नाम दिए बाईस नाम दिए इलेक्शन कमीशन को हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था पच्चीस मई को आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाए तकरीबन तो सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्द किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर और नजर आ रहा है अभी एक राजनपुर में जामपुर में इलेक्शन हो रहा है बाय इलेक्शन जाफर लगारी का सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है डरा रही है धमका रही है और उनके जो ये जो नूनली का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है तो ऐसा कभी भी केयर टेकर तो आया ही नहीं है केयरटेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयर टेकर को ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजुल रमान की कैबिनेट और उनकी उनके कहने पर सब कुछ हो रहा है तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन और जो उसने फिर आगे किया है जो वो देख रहे हैं कि ये जो ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ तरीक इंसाफ के खिलाफ है इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है और वो हुक्म किससे ले रहे हैं वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से शहबाज शरीफ से मरियम वो सारी जगह फिर रही है प्रोटोकॉल ग, गाड़ियां पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे जो है कन्वेंशंस पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी मलका है, तरनम म, मलका सॉरी तरम तरनम नहीं फरादीबा वो पहुंच रही है वहां सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है और वह वहां जाके फिर जो वो जिस तरह की तकरीरें की जा रही मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब सबजुडिस हो सुप्रीम कोर्ट में केस हो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है क्या आप आपका क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे और सिर्फ एक मकसद है इनका कि नब्बे दिन में इलेक्शन ना हो मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224, 224 पाकिस्तान के आइन का उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके नवे दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए कोई इसको चेंज कर सकता है यानी इसकी कितना भी आप अपना जेन इस्तेमाल कर लें जितने अच्छे वकील ले आए मुझे यह समझा दें कि नब्बे दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत यह केयर टेकर चल सकती है और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिस जो करादाद मकासद जिस जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है उसमें एक चीज वाज है कि सॉवरिटी वो अल्लाह की है और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है जो अवाम ने सिलेक्ट किए हैं मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयर टेकर दो दो बैठा दिए लाके पहले तो ये सारी कभी मैं फिर से कहता हूं कभी ऐसी जानेबदार केय टेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई लेकिन उसके अलावा क्या अब ये नब्बे दिन के बाद ये बैठेगी जिनका सिर्फ काम है कि तरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए या हमारे पर केसेस बनाए जाए नून को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए ये किस तरह नब्बे दिन के बाद बैठेंगे क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इनका तो सिर्फ काम था केटगर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं जे आई टी मैं फिर से कहता हूं जो जे आई टी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था वो कैसे बंद कर दिए उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया यह इनका मैंडेट किधर से आ गया ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी के गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी बड़ा वाजे है के गवर्नमेंट का क्या रोल है तो ये नब्बे दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं और मैं फिर से कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे इसका सिर्फ एक मकसद है उनको ब्लैकमेल करने का डराने का धमकाने का कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं जो कि एक वाजे आइन के अंदर नब्बे दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है मैं आज दो और चीजों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं एक कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहाँ लाहौर के अंदर उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रेजिडेंस जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक, एक पुरमन ऐतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है उनको कभी कहां भुजवा रहे हैं कभी किस शहर में भुजवा रहे हैं शाह महमूद को अटक भजवा दिया असद उमर को लैया भिजवा दिया किसी को डी जिया आजम स्वाति को ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे अगर इसको देख के डरते हैं जो आज पशावर में पब्लिक निकली है ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है और इंशाला कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी आप कहेंगे हमें जेलों में डालो ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाए या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे कि आप अगर ये समझते हैं ये जो ये जो आ, इस मुल्क की बदकस्मती है कि ये सारे जो मुजरम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार क्या वो समझते हैं? हम डर जाएंगे इससे इससे लोगों का आजम और मजबूत हो रहा है हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं जो हमारे लोगों को लेके गए हैं लैया या डी जी खान या जिधर भी सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना सो इससे कोई घबरा नहीं रहा और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी जिस तरह हमारी तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर आ, शामिल होने के लिए और फिर जो हमारा ऐतजाज जिसका जो दूसरा पहलू है एक तो ये है कि जो हमारे ऊपर तशद हुआ जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की एफ आई आर जो हर रोज़ एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को तो एक तो इसके ऊपर एहताज है पुरमन एहत है और मैं ये याद कर, करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पर निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था पब्लिक खुद सड़कों पर आ गई थी अगर ये तहरीक इंसाफ इस वक्त ना हो तो ये पब्लिक इसी तरह सड़कों पर निकलेगी जिस तरह के हालात यहां बन गए आज पाकिस्तान में पब्लिक तो खुद निकलने के लिए तैयार है सड़कों में मैं अपना जो लाहौर हाईकोर्ट मुझे तीन बजे तो हमें पता उन्होंने जब हमें पता चला कि वो बुला रहे हैं और वो कहते हैं आपको पेशी देनी पड़ेगी तीन बजे तो फैसला करते हैं सवा चार बजे घर से निकलता हूं और जो पब्लिक सड़कों के ऊपर आती है ऐसे तो पब्लिक कभी नहीं निकलती तो पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है जिस तरह आज आज पशावर में देखा कौम तो तैयार है अगर हम यह पुरमल तरीका ना इख्तियार करें तो यह कौम वो रास्ता इख्तियार करेगी यह कौम उस तरफ जाएगी जिधर इस मुल्क के अंदर तबाही मचेगी, इस इसको रोकने के लिए यह पुरमन एतजाज है और जो दूसरी वजह है मेरी एहत की जो दूसरी वजह है वह मैं भी, भी आपको बता दूं कि जो शबाज शरीफ ने कल तकरीर की कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी शबाज शरीफ यह कौम दस महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं तीस साल से आप चोरी कर रहे हैं अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है जरा तो पूछें तो सही है कि आपका टब्बर व रहता कैसे है कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे यहां का चोरी का पैसा था तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया ग्यारह सौ अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए अभी मजीद और महंगाई आने वाली है मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है जब हमारे दौर पर आप बार बार हर रोज असेंबली में खड़े हो के जुदरा हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके आपके पचानवे फीसद केसेज आपके खिलाफ वो तो जो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे आपके अपने दौर में बने थे आग डार तो आपकी हुकूमत में इस मुल्क से फरार हुआ था जब उसे पूछा गया कि इतने ज़्यादा पैसे पाँच मिलियन डॉलर बाहर कैसे भिजवाए हैं तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आई हैं वो बाहर भाग गए ये जो इसका शहबाज शरीफ आपका जो बेटा आपका जो दमाद था वो आपके दौर में बाहर भागा था जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक अपने अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी वो अभी बनी नहीं थी उसको जब पैसा मिल रहा था जब उसने सवाल पूछा वो बाहर भाग गया और आपका पता है कि आपका ट्रायल हो रहा था और आप पकड़े जाने वाले थे मुखसूद चपड़ासी के केस में और वापस आके जैसे ही आप इकतदार में आए तो चार गवाह मारे गए हैं जिनको पैसे आपके नौकर थे जिनको पैसे आ रहे थे जिसमें मुखसूद चपड़ासी चारों को हार्ट अटैक हो गया कोई इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी चारों को ये एक दम आते साथ ही दो महीने में अटैक हो गया और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो आपका एफ आई ए का इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रिजवान था उसको भी हार्ट अटैक हो गया और आपने सारे अपने केसेस माफ करवा लिए और लोगों को कह रहे हैं कि जो और कुर्बानियों के लिए तैयार हो जा तीस हजार जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गाई थी वो आज सिर्फ बीस हजार की चीजें खरीद सकता है आजकल की महंगाई में बीस हजार की चीजें खरीद सकता है जिसका तीस हजार महीने की तनख्वाह थी पिछली अप्रैल में जो लाख रुपए कमाता था जो घर उसकी सिर्फ खर, खरीदार की पावर सत्तर हजार रह गई है और अभी आप जब मजीद और महंगाई करेंगे तो ये और वो नीचे उनकी इनका इनके पास तनख्वाहों के अंदर कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा कि वो किस तरह बच्चों का पेट पालेंगे और आप कह रहे हैं अभी और महंगाई होगी तो ये कौम आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है कि जो जो भी आपने साजिश करके वादे किए थे ना कि मैं एकदम पंजाब स्पीड ला के तो पाकिस्तान को उठा दूंगा मैं तरक्की कर दूंगा वो सारी सोशल मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं देखो मैं आते साथ ही छह महीने में कैसे पाकिस्तान को उठाता हूं जब एक जमूरियत के अंदर आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते और लोगों की कमर तोड़ देते हैं महंगाई के जरिए आज घरों के अंदर मुश्किल पड़ी हुई है घरों में लड़ाइया हो रही हैं घर में जो बीवियां माएं बैठी हैं वो कहती है हमारा हम हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा खामत आगे से कहता है मैं बच्चों की भी फीस देनी है मैं किधर से पैसा लेके आऊं मैंने कपड़े लेने हैं यह हुआ हुआ, हुआ, हुआ हुआ है आज तक घरों में और आप कह रहे हैं मजीद और महंगाई आने वाली है ये दूसरी वजह ऐतजाज की हम दो वजह से एहतजाज कर रहे हैं और मैं आखिर में जाते हुए अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में ये फैसला कौन वक्त है इस मुल्क की तारीख भरी हुई है कि इस तरह के या ये जो ताकतवर जो कानून को अपने आप को ऊपर समझते हैं या वो इस मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदिया को कि वो हट जाएं आइन से या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाएं या तो वो प्रेशराइज करते हैं वो ये जो, जो जो न्यूट्रल्स कहते हैं इनके प्रेशर में मार्शल लॉ लगता है ये कान तोड़ देते हैं और या फिर ये जो दो माफिया खानदान हैं हम याद कराना चाहता हूं इस मुल्क इस कौम को इन्होंने इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है एक ध्यानदारा आदमी थे वो उनको भगाया और फिर ये ताड़ड़ जो था पुराना जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया ये इन्होंने किया वो ये इनकी तारीख है जो नवाज शरीफ था ये जब आज से 40 साल पहले या, ये क्रिकेट खेलता था जमखाना के अंदर सारे लोगों से पूछ लें कि ये मैच खेल के अपने एंपायर खड़े करके मैच खेलता था ये ताकि इसको कोई आउट ना दे दें ये ये क्रिकेट भी रोंदी मार के खेलता था इसने कोई काम आज तक दयानदारी से नहीं किया इसने कभी भी जुडिशरी को दयानतदारी से फंक्शन करते नहीं देखा जब वो फोन कॉल है कि शबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या सैफुरहमान शहबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहे हैं कि जज साहब इनको ये तीन से पांच साल की सज़ा दी जाए ये इनको वैसे जज चाहिए इनको कभी भी आजाद अदलिया जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे और बेटी का भी यही हाल है और अभी शबाज शरीफ भी वही वो, वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का मुझे ये समझा दें कि कैसे नब्बे दिन के बाद कैसे हो सकता है कि नब्बे दिन से आगे इलेक्शन जाए सिर्फ पढ़ लें सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दल दल से निकालने का और वो है इलेक्शंस जितनी देर ये चलता जाएगा ये चोर बैठे हुए चोरियां अपनी बचाते जाएंगे और सिर्फ डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे ये मुल्क मजीद दल दल में फंसता जा रहा है और इसलिए हमने अपनी हुकूमतें कर्बान की थी कभी कोई अपनी दो साठ फीसद से ऊपर पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हो एक पार्टी और वो कभी अपनी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीफें कुर्बान नहीं की सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क को मजीद या तबाही से बचाया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए जो एक ही तरीका है कि मुल्क में सियासी इस्तकाम आएगा सियासी इस्तकाम आएगा तो माशी इस्तकाम आएगा इसके अलावा कोई हाल नहीं है इससे पाकिस्तान पाइंदाबाद